राजधानी के कोला इलाके में पिता से मुंह बोले बेटे ने फर्जी एटीएम बनाकर करीब 12 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुंह बोले पिता से सिम कार्ड बंद करवाने का झांसा देकर बेटे ने फॉर्म और बैंक के फॉर्म में हस्ताक्षर करवा लिए और एटीएम बनाकर उनके अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाल लिए। और जब बदपता को उसका पता चला तो उन्होंने कोलार थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। नागरिक ने कोलार थाने को रिपोर्ट करी थी कि उनका जो दत्तक पुत्र है उसने उनसे बोल के ये कि एटीएम की उनकी जो एयरटेल की सिम है वो बंद करवा रहे हैं, उससे बैंक से नए एटीएम के कागज पर दस्तखत करवा लिए और नया एटीएम इशू करवा लिया और पिछले एक साल से लगातार उस एटीएम से वो पैसे निकालते हुए लगभग 12 लाख रुपये से निकाल लिए थे। सर कितने समय से पिता के साथ ये तो काफी पहले से उन्होंने दत्तक किया था, उसको गोद लिया था, बट जो ये एटीएम की घटना हुई है जो उसने धोखाधड़ी करी है पिछले एक साल की घटना है और उसी घटना के आधार पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।